हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मेरी जिंदगी मेरे विचार में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने पार्ट वन तो बनाया ही था, घर को कीलने का तरीका है उसमें कि आप इस तरह घर को कील सकते हो। पर इसमें ना मैं एकदम आपको रियलिटी कि हकीकत में उस टाइम हमारी क्या सिचुएशन थी, क्या हमने कितना लोन लिया, कितना कर्जा, कितने हमारे पास, मतलब इतना कर्जा हमने ऊपर का कर लिया था कि हमें नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, और सैलरी मेरी कितनी थी। उसके बाद कोविड टाइम भी आया, तो कोविड टाइम में तो हालात भाई इतने बिगड़ गए थे ना, इतने खराब थे। और उसके बाद भी आज क्या सिचुएशन है, इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताऊंगी कि कई बार हम हार जाते हैं, टूट जाते हैं, इतना कर्जा हो जाता है, पर भगवान पे भरोसा रखो ना, किसी का बुरा ना करो और अच्छी सोच लेके चलो तो भगवान आपका हमेशा साथ देते हैं। मैं ऐसी सोच मेरी, पर उस टाइम तो ऐसे लगता था सारी सैलरी कट जाती है, कोविड टाइम में तो इतनी सैलरी आती थी और इतने जने खाने वाले कमाने वाले एक थी मैं घर पे, फिर भी भगवान ने बहुत साथ दिया। तो पॉजिटिव चीजों का कुछ भी पॉजिटिव करते हैं ना तो उसका असर हमारे पर जरूर पड़ता है। तो उस टाइम पता है सिचुएशन क्या थी, शायद मेरे को लगता है हम शादी करते हैं ना तो थोड़ा सा फिर भी हम सोच के करते हैं, पर घर बनाते टाइम तो इंसान मेरे को लगता है जो भी अपनी जमा पूंजी होती है ना सब लगा देता है। और सच में हमारे पास ना के बराबर जमा पूंजी थी, ना के बराबर। इस घर में हमने खर्च किया होगा लगभग 55 से 60 लाख रुपए आराम से, और हमारे पास सेविंग के नाम पे ना कुछ नहीं था, और लोन था उस टाइम मेरा 29 लाख का लोन था। ठीक है, जब हम घर बनाने लगते हैं ना तो हमें लगता है कि ये भी जरूरत है, ये भी पूरा कर लें, ये भी हो जाए तो ठीक है, इसमें चलो कहीं से हमें पैसा मिल जाए, बस एक बार लगा दें बाद में उतार देंगे। इतना सोचते भी नहीं है कि उतारेंगे कैसे। वो ही सेम सिचुएशन हमारे पास हुई, देवर से कर्जा लिया, भाई से कर्जा लिया, इधर उधर से तो ज्यादा नहीं हुआ चलो, पर बैंक का खूब हो गया। ब्रदर के नाम से भी पर्सनल लोन ले लिया, मैंने भी अलग बैंक से 5 लाख और उठा लिए। तो मतलब सारा कुछ हमने ना इतना कर्जा कर लिया, जैसे जैसे करके ये मकान बार बार नहीं बनता, धीरे धीरे पैसा हम उतारते जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता था ना कि आगे कोविड आएगा, ये सिचुएशन आएगी। और घर बनाना मतलब ऊपर का पोर्शन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, किचन बाकी थी, बाथरूम तैयार होना बाकी था, मतलब कुछ पैसा लगना, गेट वोट लगने भी बाकी थे, और कई ऐसे मतलब इनकी जानकार की भाई ऊपर का पोर्शन तो हमें रेंट पे चाहिए ही चाहिए। अब हम कहते रहे भाई ऊपर का पोर्शन रेंट पे देंगे तो हमें कम से कम 2-2.5 लाख रुपए तो लगाने पड़ेंगे फिर ही दे पाएंगे ना। कहते नहीं कुछ भी हो, हमें तो ऊपर का पोर्शन रेंट पे चाहिए, आप तैयार करवा दो और हम क्या है कि आपका घर गहने पे ले लेते हैं। गहने पे ऐसे होता है कि उन्होंने अपने को जैसे 4-5 लाख रुपए, हमें 4.5 लाख रुपए दिए थे उस टाइम, कि 4.5 लाख रुपए दे दिए, हम आपके घर पे रेंट पे रहेंगे, हम आपको रेंट नहीं देंगे, आप हमें उन पैसों का ब्याज मत देना, मतलब आप पैसे वो यूज कर लो और जब हम खाली करेंगे तब आप हमें वो उतनी की उतनी रकम दे देना। 4.5 लाख अमाउंट बड़ी अमाउंट होती है, छोटी नहीं होती वैसे। तो उन्होंने 4.5 लाख दे दिए, उसमें से 2-2.5 लाख लगा के वो घर तैयार करवा दिया और उनको घर हमने रेंट पे दे दिया। थोड़े टाइम बाद ही दे दिया था, पर रेंट तो आना ही नहीं था क्योंकि 4.5 लाख रुपए उन्होंने दे दिए, और 4.5 लाख की तो पता नहीं चटनी नहीं बनी थी, सच्ची बताते हैं उस टाइम पता ही नहीं चला वो पैसे कहाँ चले गए, कैसे लगे, पर वो घर में लग गए। ठीक है, और वो रहे हमारे पास 2-2.5 साल रहे हैं हमारे घर पे। उसके बाद उन्होंने खाली किया। वैसे बेचारे बहुत अच्छे थे, ठीक है, हमारे अब भी उनके साथ अच्छी बनती है, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई रिलेशन बिगड़े या कुछ, कोई वजह से उन्होंने घर खाली किया तो उनको पैसे वापस भी देने थे। तो वो और सोचो आप कि वो 4.5 लाख का कर्जा हमारे पे एक्स्ट्रा और बढ़ गया था। ठीक है, और 4.5 लाख जब उन्होंने किया था ना, कोविड लगभग जा चुका था। ठीक है, तो कोविड वाली सिचुएशन भी हमने फेस की है। तो कोविड वाली सिचुएशन में मेरी सैलरी थी ना, उसमें से मेरे को ऐसे लगता था कि छठा हिस्सा भी मेरे को नहीं मिलता था, क्योंकि बहुत सारा मेरा पैसा लोन में चला जाता था और हस्बैंड का काम बिल्कुल बंद था, तो काम पे 3-4 महीने गए नहीं, बाद में जाते थे तो 2-3 घंटे जाना, काम नहीं चलना, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये रहा ना कि बाहर का तो खाना ही नहीं है और काम हमारा ऐसा ही था तो काम बिल्कुल चलता ही नहीं था। और मेरे पता नहीं, मैं हमेशा चीज़ों को लेकर पॉजिटिव ज़्यादा होती हूँ, ठीक है, ये थोड़ा फिर भी ऐसे हो जाते हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव, मैं इनको कहती थी 1% भी टेंशन ना लो। ऐसे सोचो कि कोविड आया है तो मुझे मौका मिला है कि मैं अकेली इस परिवार को हैंडल करूँ। मेरी आदत होती थी मैंने पैसे ला के लॉकर में रख देने हैं, भाई आपने पैसे ये खर्चने हैं, कैसे करना है क्या है, मतलब इनको ये मतलब कभी फील करते नहीं वैसे तो, पर ये नहीं होना चाहिए कि मैं हैंडल कर रही हूँ सबको, भी हैंडल आप ही कर रहे हो। और मैंने कहा कोई बात नहीं, मौज मस्ती के दिन है ये गुजारो, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। और उस टाइम ऐसे लगता है कोविड टाइम है ना, हमने अपनी लाइफ जी, उस टाइम माँ पिताजी महकती
चार जने हम साथ और चार सिस्टर के बच्चे, 11 जने थे हम घर पे। फिर थोड़े दिन दो रह के दो चले गए, तो हम सारा दिन मतलब क्या है कि गैस नीचे उतार लेते थे, बनाना खाना करना एंजॉय करना, क्योंकि ऑफिस का टाइम मेरा कम होता था, कई दिन छुट्टियां भी आ गई, और अच्छे से लूडो खेलना, बाहर घूमना, मतलब अच्छा टाइम एंजॉय किया। ये नहीं कि हम टेंशन लेके बैठ गए भी आए, कमाई तो है नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएगी, तो लाइफ है ना उसको खुशी से जियो, तो हमने खुशी से जी। जब हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं ना तो भगवान हमारे साथ जरूर अच्छा करते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे 3 सालों से सेटलमेंट बैंक की नहीं हो रही थी, तो सेटलमेंट होगी तो थोड़ी 8-10 हज़ार सैलरी बढ़ भी गई मेरी, और प्लस में क्या हो गया कि जो लगभग 3 साल का हमारा एरियर था ना वो भी एट ए टाइम मतलब 1 इंस्टॉलमेंट में आ गया था। तो थोड़ी इस तरह से भगवान कहते हैं ना साथ देता है, तो इस तरह से साथ दिया कि ऊपर वालों का 4.5 लाख देना था वो भी दे दिया। हालांकि फर्स्ट किस्त हमने जो उतारी थी ना, मतलब किसी का उतारा था पैसा तो वही उतारा था, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये है कि ब्रदर का लोन चुकता करना है, मेरा लोन चुकता करना है, देवर के भी देने हैं, और भगवान की दया से अब आप देख सकते हो कि अभी हमने घर तैयार करवाया है, पीछे बेड है, किचन तैयार करवाई है ना, तो लगभग 6-7 लाख रुपए हमने घर पे लगाए हैं। उसका एक्स्ट्रा कोई लोन नहीं लिया हमने, बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनकी खूब खर्चा होता है, तो सब कुछ है ना भगवान की दया से अच्छे से चल रहा है। ठीक है, सैलरी भी अच्छी है, प्लस क्या है कि अपना हिसाब किताब ऐसे बना के चलो भाई कि उतना खर्चा हम निकाल सकें। ठीक है, अभी भगवान की दया से ऊपर का पोर्शन है ना वो भी अपने रेंट पे है, तो जैसे भी करो चलो हेल्प तो अपने को मिलती है पैसों की। आज मैं ऐसे सोचूं ना कि इतना सारा हमने कर्जा किया था, सारा कुछ सैलरी भी नहीं थी, कोविड टाइम में तो 8-9 हज़ार सैलरी नहीं आ रही थी, फिर भी हमने अच्छा गुजारा किया, और उसके बाद पैसे भी उतरे भी, चलो ठीक है सेटलमेंट हुई, पैसा भी आया और सैलरी भी धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि बैंकिंग लाइन में हालांकि स्टार्टिंग सैलरी कम होती है, आजकल तो स्टार्टिंग ठीक है, हमारी टाइम अच्छी नहीं थी, तो धीरे धीरे बढ़ती है सैलरी, तो सैलरी भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। पर क्या है कि जरूर सेविंग आज भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं है, घर होगा हमारे पास, मैं जिसकी कीमत बता रही हूँ आपकी 80-85 लाख आराम से होगी, थोड़ा चलो गोल्ड भी बना है, बाइक ली है तो भी मैंने कोई चीज़ लोन पे मैं लेती नहीं हूँ, कोई चीज़ लेके आनी है मेरे को ऐसे लगता है 2 महीने लेट ले आओ पर आप कैश पेमेंट लेके आओ, तो लोन पे कोई चीज़ नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लोन भी नहीं लिया है, ठीक है घर के लिए तो लिया है और कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं है मेरे पास। तो ये है कि इस तरह से अपनी सेटिंग बैठा के चलो कि कर्जा है ना वो आपका हमेशा कम हो ना कि बढ़े। ठीक है, तो फर्स्ट कर्जा लेने के बाद जो भी मैंने घर का लिया ना, तो उसके बाद मेरी यही थिंकिंग है, ठीक है अच्छे काम के लिए लिया और पैसा वो उतर रहा है और उतरा ही है, सिचुएशन चाहे कैसी आई हो, इंस्टॉलमेंट मेरी हमेशा जाती रही है, तो कर्जा वो उतरा ही है, और जरूर अगर हम ऐसी पॉजिटिव चीज़ें कुछ करते हैं ना तो भगवान आपको जरूर सहारा बनते हैं, मेरा तो खास कर बने, क्योंकि जब ऊपर वालों का 4.5 लाख रुपये देना था ना उस टाइम तो बड़ी टेंशन थी, और पता नहीं उन्होंने चलो 2-3 महीने पहले ही हमें बता दिया था अभी हम तब तक खाली करेंगे, और आराम से हो गया वो 4.5 लाख का अरेंजमेंट आराम से, मुझे नहीं पता। बस ये है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, आप पॉजिटिव चीज़ें करो, आप निगेटिव कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने ये चीज़ें करी है और मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगता है नहीं कि अब तो नैया डूलने वाली है, इधर उधर होने वाली है, तो आप कहीं मंदिर कहीं धाम में जाए या वो कुछ घर पे कर लो, तो मेरे को उन चीज़ों का फ़ायदा हमेशा मिलता है और हमेशा मैं करती हूँ, हमेशा सुकून मिलता है। तो बस मेरा ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का ये मकसद था कि अगर मेरी ऐसी सिचुएशन से मैं यहाँ तक आ सकती हूँ ना, मैंने आपको बताया भी आप घर पे 6-7 लाख रुपया लगाया, उसका कोई एक्स्ट्रा लोन नहीं लिया हुआ है, मेरा खुद का मतलब हमारा खुद का पैसा था, और ये था भी चलो घर तैयार करवाना है तो करवा लो। ठीक है, तो जितनी हमने रिक्वायरमेंट थी उतना करवा लिया, और जितना हमने सोचा था ना उसे ऑलमोस्ट डबल पैसा लगा दिया, तो अगर हम अच्छी चीज़ें करते हैं ना तो भगवान जरूर हमारे साथ अच्छा करता है। बस ये एक पॉजिटिव चीज़ आपके साथ शेयर करने का मन था, हालांकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं दिन में लेटी रही, मंडे का दिन है आज ऑफिस नहीं गई, अब शाम को मन हुआ कि तैयार व्यार होकर अच्छे से वीडियो बनाते हैं, आपके साथ कुछ बातें शेयर करते हैं। वैसे भी क्या हुआ कि मैं सैटरडे गई हुई थी गंगानगर, वहाँ पे मैं थोड़ा रिलैक्स थी शाम के टाइम ना, तो मैंने आपके बहुत पुराने कमेंट्स के जवाब दिए बहुत, तो कुछ कह रहे थे आप अपना रूटीन शेयर करो, कुछ ये कि आपकी वीडियो देख के बहुत हिम्मत मिलती है, कोई कुछ बोल रहा था कोई कुछ, तो ज़्यादा चीज़ें शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है, पर मेरा मन बहुत होता है यूट्यूब चलाने का, पर कहीं ना कहीं चला भी नहीं पाती हूँ। तो बस इसी वीडियो के मतलब इन्हीं बातों के साथ इसी वीडियो का अंत करते हैं, और
पॉसिबल हुआ तो मिलेंगे जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। एक बहुत बड़ी बात है जो आपके साथ शेयर करनी है, वो भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो जरूर जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।